हेलो गाइस, मेरा नाम है सैदुल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो सैदुल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पीएलसी अल्टीमा का केवाईसी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो गाइस, उसी को मैं बतलाने वाला हूं कि पीएलसी अल्टीमा का केवाईसी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, आपका जो अनवेरिफाइड है उसको वेरीफाई कैसे करते हैं। अगर गाइस आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो उस पर अगर आप डायमंड रैंक तक अचीव करने वाले थे, आपका डायमंड रैंक अचीव नहीं होगा। आपको यह एक बार अपडेट आया था अलेक्स रेनार्ड की तरफ से कि अभी तक जो भी अपना आईडी वेरीफाई नहीं किया वो जल्द से जल्द आईडी वेरीफाई कर ले, वरना उन लोग का डायमंड रैंक में पहुंचने में बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो गैस, इसीलिए आईडी को वेरिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है। तो गैस, उसी के बारे में आज मैं बताऊंगा कि केवाईसी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। और गैस, अभी मैं आपको बता दूं कि केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो गैस, उसके लिए मैं यहाँ पे ले जाता हूँ अपने गैलरी पे। गैलरी पे ले जाने के बाद यहाँ पे आपको मैं दिखलाता हूँ थोड़ा सा आपको कि आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए आपका जो भी होगा पासपोर्ट का या फिर आधार कार्ड या वोटर आईडी कुछ भी है तो उसका आपको फ्रंट और बैक का फोटो खींच लेना। जैसे कि मैं यहाँ अपना पासपोर्ट का खींच लिया हूँ तो उसका आपको फ्रंट और बैक का खींच लेना और एक फोटो इस तरह का खींच लेना लेके अपने हाथ में, जो कि पासपोर्ट या आधार जो भी है उसका आप अपने हाथ में खींचो रखोगे और इस तरह से आपको फोटो ले लेना है। तो वैसे ये सारा कुछ को आप तैयार कर लेना। तैयार करने के बाद आपको डायरेक्ट चले जाना है क्रोम पे। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना अल्टीमा फार्म वेबसाइट। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे अल्टीमा फार्म वेबसाइट को ओपन कर चुका हूँ जिसपे हमको आईडी वेरिफिकेशन करना है। जिसका वेरीफाई होगा उसी का ईमेल वगैरह डाल के आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ, ये खुद मेरा है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर के साइड में, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये थ्री डॉट पे उसको क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा अकाउंट सेटिंग। तो इस अकाउंट सेटिंग पे आपको क्लिक करना है नीचे। इस अकाउंट सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपका एक नया वेबसाइट खुलेगा, जैसे कि आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा प्लेटिन पासपोर्ट करके, यहाँ पे एक नया वेबसाइट खुला। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा इसका बगल में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे आपको क्लिक करना है डबल डॉट पे। इस पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ आपका नाम दिखलाई देगा। नाम दिखाने के बाद यहाँ पे सारे प्लेटिन वॉल अल्टीमा फार्म वगैरह जितना भी वेबसाइट वो दिखलाई देता है। उसके बाद इस सबको आपको नहीं देखना। सबसे नीचे पे आपको यहाँ पे यह दिख रहा होगा जेंडर के नीचे, यह ग्रीन वाला नीचे आपको दिख रहा होगा यह वेरिफिकेशन जो कि 0% हुआ है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपना नाम, सरनेम, जेंडर और आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए थे और क्या हुआ था उसको देना, फिर नेशनलिटी डालना, आपका पासपोर्ट नंबर। तो गाइस, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर पे आपको बता दूं, अगर आप आधार कार्ड डाल रहे हैं आपका आधार कार्ड का ही नंबर को आपको यहाँ पासपोर्ट नंबर पे डाल देना है, या फिर अगर आप वोटर आईडी डाल रहे वहीं पे आपको इस वोटर आईडी के नंबर को यहाँ डाल देना है पासपोर्ट नंबर में। उसके बाद ऑथराइज, ऑथराइज में आपको गवर्नमेंट डाल देना है, गवर्नमेंट लिख देना है। उसके बाद डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू में आप अगर आधार कार्ड डाल रहे हैं तो 2011 के बाद आप कभी भी डाल दो चल जाएगा। जैसे कि 2011 डालना और 2022 से पीछे डालना, जैसे कि 2013, 14, 15 कुछ भी डाल देना वो चलेगा। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट में आपको 2030 के बाद जो भी डेट आपको जो भी मन में आता है 2035, 50, 55 जितना भी आता है उसको आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो ड्रैग एंड ड्रॉप का दिख रहा है फोटो हेयर, तो इस पे आपको क्लिक कर करके आपका जितना डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पे डाल देना है। तीनों डॉक्यूमेंट्स का, फ्रंट का, आधार और बैक, बैक दोनों फोटो का, और एक जो आप फोटो लिए हैं उसको यहाँ पे डाल देना है। तो गाइस, चलिए मैं यहाँ पे डाल के आपको फिर दिखलाता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ नाम डाल लिया हूँ, अपना मेल डाल लिया हूँ और यहाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ, फिर मैं अपना प्लेस ऑफ बर्थ डाल लिया हूँ, फिर अपना नेशनलिटी डाल लिया हूँ, अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह भी मैं डाल चुका हूँ यहाँ, फिर जो किसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया था वहाँ डाल दिया हूँ, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हूँ, इशू जो डेट ऑफ इशू मतलब कब आया था तो मैं 21/11/11 को डाल दिया हूँ, मेरा पासपोर्ट मैंने यही तारीख को बनवाया था तो हमको याद था तो मैं यही तारीख को डाल दिया हूँ, और एक्सपायरी डेट उसको भी मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं तीन फोटो जो कि एक फ्रंट और बैक और एक
आधार के साथ मेरा पासपोर्ट के साथ जो फोटो उसको मैं डाल लिया हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि ये सारा कुछ को आप जैसे कि एक्सपायरी डेट वगैरह नाम वगैरह डाल लोगे, उसके बाद यहाँ स्क्रॉल करके आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये सेव, जैसा कि आपको ये दिख रहा है हल्का हल्का दिख रहा होगा सेव लिखा हो, इसके ऊपर आपको पहले सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर आपको यह ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक करके अपलोड करना है। अगर आप अपलोड नहीं कीजिएगा, अगर इसको आप सेव पे क्लिक नहीं कीजिएगा, तो आपका जो इस तरह से ये अपलोड नहीं होगा। तो आपको पहले सेव कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे फोटो को अपलोड कर ली, अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा वेल डन। तो हम लोग का वेल डन का ऑप्शन आया। वेल डन के बाद यहाँ पे हम लोग का वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे कि ऑन वेरीफाई प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद यहाँ से आपको ये वन में ही हुआ, उसके बाद यहाँ पे आपको टू में क्लिक करना है। टू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे नो वेरीफाई लिख रहा है, नो वेरीफाई लिख रहा है, तो इसको आपको वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या डालना है आपको, यहाँ पे फाइंड एड्रेस, तो आपका जो एड्रेस है उसको डालना है। उसके बाद जो रेसिडेंट एड्रेस है, तो रेसिडेंट एड्रेस में आपको डालना जरूरी है। यहाँ पे फाइंड एड्रेस अगर आप नहीं डालते तो भी चलता है, तो उसको हम लोग खाली छोड़ देंगे। और यहाँ जो रजिस्ट्रेशन एड्रेस है उसको हम लोग डालते हैं, उसके बाद सिटी, जिप कोड, कंट्री उसको डालते हैं। और इसको फिर डालने के बाद फिर से आपको यहाँ आ जाना, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद फिर से आपको ये सेव के बटन पे क्लिक करना। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार या पासपोर्ट जिसका भी डाल उसका फ्रंट और बैक का फोटो डाल देना है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन के नाम पे उसे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसको सारा कुछ फिलअप करके आपको वेरीफाई करके दिखलाता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपना एड्रेस वगैरह डाल चुका हूँ, सारा सिटी वगैरह डाल चुका हूँ। मैं इसको थोड़ा सा ब्लर कर दे रहा हूँ ताकि मेरे थोड़ा सिक्योरिटी के कारण इसको मैं ब्लर कर दिया। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखलाना चाहता हूँ, स्क्रॉल करके मैं नीचे आया। स्क्रॉल करेंगे नीचे आने के बाद यहाँ पे यह सेव जो है ये ब्लैक कलर में दिख रहा है पूरा एकदम डार्क में, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे आप क्लिक करना ड्रैग एंड ड्रॉप पे। ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल्स में आपको चले जाना है। फाइल्स में जाने के बाद यहाँ हम लोग का जो पासपोर्ट का ये फ्रंट है उसको डाल लेता हूँ मैं। तो मैं फ्रंट का यहाँ पे डाल लिया, आई एम वर्किंग वो आ गया। उसके बाद मैं बाइक का यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बाइक का डाल रहा हूँ, यहाँ एड्रेस का है इसीलिए हम बाइक का। इसको दोनों को अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा वेल डन, आपका ये भी वेरिफिकेशन के लिए चला गया है। तो गाइस व्यू इंफॉर्मेशन में आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आप ये सारा कुछ को भी देख सकते हैं। हम लोग का ये ऑलरेडी चला गया ये वेरीफाई के लिए, या 2 से 3 दिन के अंदर में ये वेरीफाई हो जाएगा, या फिर 24 आवर के अंदर में ये आपका आईडी वेरीफाई हो जाता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ अपडेट डालूंगा उसको आप तुरंत देख पाइएगा। मैं हमेशा PLC अल्टीमा का अपडेट डालता रहता हूँ, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।